हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, आपको नहीं पता होगा हम जैनिज्म पढ़ रहे हैं, एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने जैनिज्म के बारे में जाना कि टोटल कितने तीर्थंकर्स हैं, 24 हैं। फिर हमने जाना कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्धमान महावीर हैं। हमने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, उनके फादर कौन है, मदर कौन है, वाइफ, फिर उन्हें एनलाइटमेंट यानी कि सुप्रीम नॉलेज कैसे अचीव हुई, फिर हमने उनके टीचिंग्स के बारे में जाना। तो आज जो भी रिमेनिंग बचता है जैनिज्म से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, फटाफट से पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, बिकॉज नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन में, राइट? सो देखिए, जैनिज्म में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दैट जैनिज्म रीच द हाइएस्ट पॉइंट इन चंद्रगुप्त मौर्यास टाइम। सबसे ज़्यादा हायर लेवल पे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये कब था? जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, उन्होंने काफ़ी पैटर्नेज दी, काफ़ी जैन जो है टेम्पल्स, जो भी जैन टेम्पल्स होते हैं वो बनवाए, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, काफ़ी पैट्रनाइज किया। तो ये हाईएस्ट लेवल पे था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। इन कलिंगा ग्रेटली पैटर्नाइज बाय द चेदी किंग खारावेला इन द 1st सेंचुरी AD। कलिंगा की अगर बात करें, वहाँ पे चेदी किंग थे खारावेला, उन्होंने 1st सेंचुरी AD में काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज किया, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया इसको उस टाइम पे। अब जैन लिटरेचर की बात करें, सो इट इज़ इन अर्ध मगधी एंड प्रकृत डायलैक्ट्स। ये आपको अर्ध मगधी लैंग्वेज में मिलेगा, प्रकृत डायलेक्ट में मिलेगा, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म मैनी रीजनल लैंग्वेजेस एमर्ज्ड। जैनिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस हम कह सकते हैं वो एमर्ज हुई, जैसे कि सूरसेनी है, सूरसेनी से आउट ऑफ विच, अब सूरसेनी से ही मराठी, गुजराती, कन्नड़, राजस्थानी ये सब एमर्ज हुए थे, ठीक है? तो देखिए, आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि आप नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज में हैं या फिर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, टाइम कंस्टेंट्स हैं, उस केस में इट वुड बी बेटर टू परचेज दीज हैंड रिटन नोट्स। फाइन, हम जैनिज्म में जो भी बच गया था थोड़ा बहुत वो बात कर रहे थे, तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, इसमें कुछ ऐसा सच नहीं है, बट पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस रहे, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे कि जैनिज़्म का जो डिक्लाइन हुआ तो क्या रीजंस रहे कि जैन धर्म जो है इतना पॉपुलर था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, खारावेला के टाइम में, तो एकदम से इसका डिक्लाइन हो गया। तो अब हम रीजंस पढ़ेंगे। पहला है दे टुक द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा सो फार। किसी को हर्ट नहीं करना है, पेड़ पौधों में भी जीवन है, फलों में, सब्जियों में जीवन है, इस चीज़ को, वो अहिंसा को वो इतने दूर तक ले गए ना कि नॉर्मल लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए इस चीज़ को। सेकंड है एडवाइज्ड वन शुड नॉट टेक मेडिसिन बिकॉज इट किल्स जर्म्स। जैन धर्म कहता था कि हमें दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, इसकी वजह से जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। अब जर्म्स को तो मानना ही पड़ेगा अगर हमें खुद ठीक रहना है ना, तो ये चीज़ भी लोगों को सही नहीं लगी। थर्ड आता है बिलीव देयर वॉज लाइफ इन ट्रीज एंड वेजिटेबल्स सो रिफ्रेन फ्रॉम हार्मिंग देम। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पेड़ पौधों में जीवन है, सब्जियों में, फलों में जीवन है, तो उन्हें हार्म नहीं करना, ये कहता था जैन धर्म। सच प्रैक्टिसेस कुड नॉट बिकम पॉपुलर अमंग कॉमन मैन। जो कॉमन लोग होते थे, ठीक है, आम आदमी है, उनके लिए तो ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं कि क्या खाएंगे वो, पेड़ पौधों से फल सब्जियाँ यही खाएंगे और क्या खाएगा कॉमन आदमी, गरीब आदमी, तो ये चीज़ फिर सही नहीं लगी लोगों, क्योंकि लोगों ने तो ये चीज़ें खानी पीनी थी, दवाइयाँ भी खानी थी अपनी तबीयत ठीक करने के लिए, है ना। नो पैट्रोनेज फ्रॉम लेटर किंग्स। बाद में जो भी राजा है, किसी ने इसे पैट्रोनेज नहीं किया, किसी ने पैट्रोनाइज नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने पॉपुलराइज नहीं किया, इस वजह से ये फिर जो है वो थोड़ा दब गया और धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हो गया। अब अगर हम आज भी आसपास देखें तो आपको जैन लोग बहुत कम मिलेंगे, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे आसपास, मेरे कॉलेज में, मेरे पड़ोस में, मैंने कभी किसी जैन से, मतलब मेरा किसी जैन से सामना नहीं हुआ है। हाँ, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख भी हैं, बट जैनिज़्म और बुद्धिज़्म इनको फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बट बुद्धिज़्म तो फिर भी आपको मिल जाते हैं, जैनिज़्म के बहुत कम रहते हैं, राइट? सो एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, उस लिंक पर क्लिक करना है, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पहुँच जाएंगे मेरे अकाउंट पर और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा जैनिज्म का टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट, हमारा बुद्धिज्म कंप्लीट हो गया, जैनिज्म कंप्लीट हो गया। अब हम मगध के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट अभी मैं एंशिएंट को थोड़ा पॉज देकर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की सीरीज़ मैंने साथ में स्टार्ट की है उन पर थोड़ा फोकस करूँगी। सो अब कुछ टाइम के लिए एंशिएंट की वीडियोज़ नहीं आएंगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, प्लस आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरी वीडियोज़ का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट उन्हें भी मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू फ़ायदा हो। राइट, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So that's it guys, and see you soon.